ये मैंने पहले भी बोला है कि ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाना है, बहुत स्पेशल गाना है। तो मेरे को थोड़े दुख 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 हो रहा है बहुत ज़्यादा कि अभी आने वाला है गाना कैसा लगेगा लोगों, क्योंकि हमने तो पूरा दिल लगा के कर दिया। अभी बस वो ये कि हमारा जितना हम कर सकते थे हम कर चुके हैं, बाकी सब बाकी लोगों के हाथ में। सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। मेरा मानना ये नहीं है कि आप हर जगह बस कहीं भी जाते रहो प्रमोशन के लिए। जो जगह आपके लिए मायने रखती है, जो आपके लिए ज़रूरी है, आप सिर्फ वो जगह जाओ। आई थिंक कि इस कॉलेज में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर आज आई हूँ। इतने लोगों से मैंने, जो आई थिंक समवेयर अराउंड मेरी एज के हैं, उनसे मैंने कनेक्ट किया, उनसे मैंने बातें की, क्योंकि एक बहुत अलग कनेक्शन होता है टीनेजर्स का आपस में। वो बस रिलेट कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं। सो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे यहाँ पर। एंड रही बात फिर मैं बिग बॉस में जो गई थी, बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड वाई नॉट प्रमोट माई सॉन्ग देयर अगर हो सकता है तो। वो मेरे को ऐसे तब भी दुख 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 हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं सेट जस्ट अंदर जाने वाली थी, हम ऐसे थी ऐसे लंबी लंबी सांसें ले रही हूँ कि ऐसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था मुझे जेन्युइनली। और मैं जैसे अंदर गई एंड जिस तरीके से मुझे सब लोग मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा, बिकॉज हम लोग एक्टिविटी एरिया में थे एंड आई हैव बीन देयर, आई नो द वाइब ऑफ दैट प्लेस। तो मुझे वो सब फील हो रहा था, मुझे सबकी याद आ रही थी कि यार हम लोग यहीं पर थे। मैं अभी एक्चुअली, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही गाना था, मेरे पास और भी गाने हैं, पर आई हैड टू स्टार्ट विद समथिंग रियली बिग, समथिंग रियली स्पेशल, एंड देन आई चोज दिस सॉन्ग साजिशें कि पहला गाना ये आना चाहिए। और इसके आगे अभी आई थिंक कि थोड़े थोड़े वक्त में एक और गाने मिलते जाएंगे। तो गाने मिलते जाएंगे, शायद मुझे अपने ऐसा लोगों से बात करने के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाना पड़े। yes. पर गाने तो अभी मिलते रहेंगे।